This conference will now be recorded. तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं स्लाइसर। स्लाइसर्स पिवट टेबल में हम बात करते हैं, क्योंकि लास्ट टॉपिक हमारा था क्या बोलते हैं एक्सटर्नल पिवट टेबल था। तो आज हम बात करते हैं स्लाइसर के ऊपर। अब देखिए, बता दूं आपको कि स्लाइसर्स या जो चीज आप यूज करने जा रहे हैं, ये 2007 के बाद का फॉर्मेट है। अगर आपके पास 2007 है तो इसके आगे की जो पिवट की टॉपिक है वो आपके लिए सुटेबल नहीं रहेगा। सो अगर आपके पास है तो इसको आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। तो स्लाइसर का इस्तेमाल क्यों होता है, हम इसके बारे में चलिए डिस्कस करते हैं। तो एक पिवट हमने लगाया और इस पिवट पे मान लीजिए मुझे चाहिए डिपार्टमेंट वाइज सैलरी का टोटल। तो ये ओवरऑल आ गया। अब मान लीजिए मुझे इसमें से किसी एक डिपार्टमेंट को देखना है तो मैं यहां पे इसका इस्तेमाल कर सकता हूं, लेकिन मुझे पूरी पेज को फिल्टर करना है तो हम लोग इसे मान लीजिए मंथ वाइज करना है, तो हमने मंथ को उठाया और यहां पर। अब यहां पे जैन को सिलेक्ट किया, एनओके किया तो जैन आ गया, फैब सिलेक्ट किया तो फैब आ गया। अब इसमें हम एक नहीं एक से ज्यादा फिल्ट्रेशन भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं परफॉर्मेंस स्कोर को फिल्टर के नीचे डालता हूं। तो अगर मैंने यहां पे मान लीजिए जून को सिलेक्ट किया तो जून का रिपोर्ट आ गया। अब परफॉर्मेंस स्कोर में मैंने 2 को सिलेक्ट किया तो यहाँ 2 आया, लेकिन रिपोर्ट नहीं आया। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम मुझे पता चल रही है, परफॉर्मेंस स्कोर में डेटा है और कौन से परफॉर्मेंस स्कोर में डेटा नहीं है, कैसे पता चले? ठीक है संदीप जी, प्रॉब्लम समझ में आया? हेलो, हाँ जी सर, आ गया। अब क्या करें इसके लिए हम? तो इसी चीज के लिए हम स्लाइसर का इस्तेमाल करते हैं। तो स्लाइसर हमें कैसे हेल्प करेगा, चलिए हम बताते हैं। और स्लाइसर को इंसर्ट करने के लिए आप इंसर्ट में स्लाइसर इसको भी कर सकते हैं, या फिर पिवट टेबल के टूल्स में एनालिसिस के अंदर स्लाइसर इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो मैंने मंथ और परफॉर्मेंस स्कोर को लिया और मेरे पास इस तरह से एक डिजिटल डिजिटल तो नहीं करेंगे, ग्राफिकल करेंगे, एक ग्राफिकल प्लेटफॉर्म आ गए। अब मैं यहाँ पे फैब सेलेक्ट करूंगा तो मेरे पास फैब का डेटा आएगा। अब देखिए फैब के डेटा में परफॉर्मेंस स्कोर 2 नहीं है, तो परफॉर्मेंस स्कोर 2 हमारा हाईलाइटेड नहीं है। अगर हमने जून को सिलेक्ट कर लिया तो जून का डेटा आया, जून में सिर्फ 5 परफॉर्मेंस स्कोर है, बाकी है ही नहीं, वो हाईलाइटेड नहीं है। अच्छा हो गया इससे। दूसरा एक तो फायदा ये हुआ, दूसरा फायदा हुआ कि मल्टीपल सिलेक्शन, मुझे मान लीजिए कि मुझे अप्रैल और मार्च का चाहिए, मार्च और अप्रैल का चाहिए, तो मैंने मार्च को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे मार्च को सिलेक्ट किया और फिर मैं यहाँ कंट्रोल के साथ अप्रैल को सिलेक्ट किया। यहाँ पे अप्रैल भी सिलेक्ट है और मार्च भी सिलेक्ट है, राइट? तो यहाँ पे आप देखिए ऊपर में आपको यहाँ पे मल्टीपल आइटम दिख रहा है, तो ये पता लगाना मुश्किल है ना। इस पता लगाने के लिए मुझे यहाँ इसको खोलना पड़ेगा, फिर टिक मार्क दिखाना पड़ेगा, अप्रैल पे टिक है, मार्च पे टिक है, क्योंकि इससे बेटर यहाँ पता चल जाता है कि आखिर क्या क्या सिलेक्टेड किया गया है। इसको ड्रैग कर देंगे तो और भी बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, इसको भी अपनी हिसाब से, ठीक है। इसे ना सिलेक्ट करना है, मुझे कंटिन्यू सिलेक्ट करना है तो माउस क्लिक करते हुए होल्ड कर दूंगा तो कंटिन्यू सिलेक्ट हो जाएगा। इस तरह से हमें हमारा जो है बेनिफिट होता है डैशबोर्ड के ऊपर इसका यूज है, ठीक है संदीप जी? एक बेनिफिट तो आपने दो बेनिफिट समझे, पहला कि अगर कई सारे फिल्टर्स के लेबल्स है तो एक में डेट सिलेक्ट किया तो बाकी में आया। दूसरा बेनिफिट हुआ कि ग्राफिकल इंटरफेस है, फिल्टर लगाने में आसानी होती है। और तीसरा
अगर आप नॉर्मल लगाते हैं, मल्टीपल फील्ड को सिलेक्ट करते हैं, तो वहां पे आ जाता है मल्टीपल आइटम, लेकिन स्लाइसर के अंदर में आपको दिख जाता है कि आपने किस किस को सिलेक्ट किया है। तीन बेनिफिट हो गया। अब अगला बेनिफिट स्लाइसर का होता है कि जब हम मल्टीपल पिवट लगाते हैं, अब जैसे कि मान लीजिए कि एक डेटा हमारे पास सैलरी का डेटा है, अब मुझे इसमें कई कई सारे एंगल से चार्ट और डेटा के जरिए प्रेजेंट करना, एक पिवट तो पॉसिबल नहीं है ना। जैसे कि मान लीजिए, मैं इसको बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए सम ऑफ द सैलरी है और हेड काउंट, तो पता चला कि 14 लोगों के अंदर इतनी सैलरी दी गई। अब इसको तो हम, अगर मैं इसको करेक्टली रिप्रेजेंट करें, डेटा रिप्रेजेंट करें तो ठीक है, लेकिन अगर इसको हम चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करें तो दिक्कत होगा। एनालिसिस में अगर आप यहाँ पे पिवट चार्ट पे जाते हैं और अपना चार्ट सेलेक्ट कर लेते, तो इसमें आपको देखिए इसमें आपको डिपार्टमेंट से सैलरी दिख रहा है, काउंट ऑफ फुल नेम नहीं दिख रहा है, आपका हेड काउंट नहीं दिख रहा है। तो सौरभ जी, आप समझाया कि हेड काउंट क्यों नहीं दिख रहा है? सॉरी विकास जी, माफ कीजिए, सौरभ जी। क्योंकि वैल्यू हाँ, क्योंकि आपकी पिवट के अंदर जो डेटा है, एक डेटा काफी हाईएस्ट है और दूसरा डेटा काफी लोएस्ट है, तो इतना नीचे चला गया है कि दिख नहीं रहा है। ठीक है सुरेंद्र जी, अपने आप को अनम्यूट करेंगे तो मैं आपको सुन पाऊंगा। तो इस केसेस में हमें क्या करना होगा कि हमें दोनों को अलग अलग पिवट बनाना पड़ेगा। तो हम एक ही डेटा पे, एक ही सीट पे कई सारे पिवट बनाने जा रहे हैं। एक पिवट तो मैंने बनाया हुआ है जो कि आप देख रहे हैं। अब मैंने क्या किया, इसमें से सम ऑफ द, इसमें सम ऑफ द सैलरी हटा देता हूँ, हेड काउंट आ गया। यहाँ पे रो लेवल मैं यहाँ पे दे देता हूँ डिपार्टमेंट, और यहाँ पे दे देता हूँ हेड काउंट। उसके बाद मैं एक और पिवट यहाँ जनरेट करता हूँ, इसको सेलेक्ट किया, कॉपी की, मैंने तो लगाने का तरीका है कि अगर पिवट टेबल आप इंसर्ट करते हो तो हर बार नई सीट लेने की जरूरत नहीं है। नीचे आपके पास एग्जिस्टिंग वर्कशीट आता है, एग्जिस्टिंग वर्कशीट, इसको सिलेक्ट किया और सीट पे चले गए जहां आपको पिवट लगाना है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आप दूसरा पिवट, दूसरा पिवट यहां रख दिया, ओके कर दिया, तो क्या होगा कि अगर इसमें हम कोई फील्ड ऐड करेंगे तो ए आगे बढ़ेगा और मेरे दूसरे वाले पिवट को ओवरराइड करेगा। अब इसमें मुझे चाहिए डिपार्टमेंट को, हमने यहां पे उठा कर रखा और हमने यहां पे सैलरी को रखा, और यहां पे डिपार्टमेंट और सैलरी आ गई। और इसको भी आप चेंज कर सकते हैं कि डिपार्टमेंट और यहां पे सैलरी। सुंदर जी, सर क्लासेस थोड़ा चल गई है, आपको, आप ध्यान से देखिए, अगर दिक्कत होगा तो पूछ लीजिएगा। अब सैलरी ऑलरेडी फील्ड हमारे पास है, इसलिए नेम चेंज नहीं करने दे रहा है, तो एक स्पेस दे दीजिए, सैलरी आ गई। अब मुझे तीसरा चाहिए, ये हो गया, तीसरा चाहिए मुझे इसमें कि डिपार्टमेंट वाइज टोटल छुट्टी कितनी हुई है, डिपार्टमेंट वाइज टोटल परफॉर्मेंस स्कोर क्या दिया गया है, एवरेज, सबका एवरेज चाहिए मुझे। तो बार बार आपको डेटा में जाके पिवट लगा के और रेंज देने की जरूरत नहीं है। आप एक पिवट को कॉपी कर लें और उसको पेस्ट करेंगे तो फिर भी आपका पिवट लग जाए, एक ही डेटा पे है तो, अगर अलग अलग डेटा है तो फिर तो लगाना ही पड़ेगा, एक ही डेटा पे है तो इसका यूज कर सकते। अब यहां पे मुझे सैलरी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए एवरेज ऑफ द सिक डे की छुट्टियां, और इसका सम नहीं चाहिए, एवरेज चाहिए। तो वैल्यू फील्ड सेटिंग पे गया और यहां पे मैंने इसको एवरेज कर दिया,
तो एवरेज आ गया कि हाँ कि आईटी में एवरेज 3 बंदे छुट्टी करते हैं, और ये देखिए यहाँ पे ये होगी क्या बोलते हैं डेसिमल्स आ गए हैं, इस हिसाब से डेसिमल्स को हटा दीजिए यहाँ से हटेगा ना, या रखना चाहते हो तो रख सकते। उसके बाद फिर मैंने वापस इसको कॉपी किया और फिर इस पे गया और एक और ट्यूबलेट दे दिया, उसमें हम एवरेज और सीरीज के जगह पे एवरेज ऑफ द परफॉर्मेंस। तो हमने एक ही डेटा पे कई सारे पिवट बना लिए। जी जी समझ में आया? यस सर। तो हमने एक ही डेटा पे कई सारे क्या बोलते हैं पिवट बना दिए। मैं इसको छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा फील्ड को। हमें अलग अलग एंगल से रैप टेक्स्ट करता हूँ, फिर मैं अपने कॉलम को भी छोटा कर। अब एक प्रॉब्लम यहाँ पर है कि मान लीजिए मैं इस पे फिल्टर देना चाहता हूँ, मैं स्लाइसर भूल जाता हूँ, फिल्टर देना चाहता हूँ, तो मैंने मंथ वाइज फिल्टर चाहिए, तो मंथ को मैंने यहाँ पे रख दिया। और जैसे मान लीजिए कि मंथ में हम यहाँ पे जैन सेलेक्ट करते हैं, तो क्या होगा कि सिर्फ मेरा एक पिवट ही फिल्टर होगा, बाकी के 3 पिवट फिल्टर नहीं होंगे। यहाँ पे हम ये चीज को नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि मेरे पास अगर क्लिक करे तो सारा हटा देता हूं, तो फिर मैं स्लाइसर कहां जाता हूं, पिवट टेबल इस पे क्लिक करता हूं, पिवट टेबल डिजाइन में, और यहां से स्लाइसर एक या दो जो भी आपके सुटेबल है उसको आप लीजिए, और उसके बाद आप यहां पे मैंने इसको रख दिया। और भी चाहिए और भी ले सकते हो, जैसे मान लीजिए कि आपको डिपार्टमेंट का चाहिए, चलिए एक और ले लेते हैं डिपार्टमेंट सर, एलाइज के अंदर सर स्लाइस, और यहाँ पे मैंने डिपार्टमेंट सुरेंद्र जी कोई डाउट होगा तो पूछिएगा प्लीज। सर स्लाइसर को हॉरिजॉन्टल कैसे लगाते हैं क्या अच्छा सर? को हॉरिजॉन्टल करना है तो हॉरिजॉन्टल करना है, चलिए एक हॉरिजॉन्टल भी ले लेते हैं। मैंने एक बार इसको हॉरिजॉन्टल चलिए इसमें परफॉर्मेंस स्कोर लेता हूँ जो कि हॉरिजॉन्टल में करता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ हम स्लाइसर में सर स्लाइसर, और इसमें मैं परफॉर्मेंस स्कोर को लेता हूँ और इसको हॉरिजॉन्टल करना है, तो आपको जहां करना है वहां पे रखें और इसको बड़ा कर दो। लेकिन इसमें तो एक ही दिख रहा है, तो सर यहाँ कॉलम काउंट दिख रहा मेरे होगा, यहां से सर कॉलम की काउंट को बढ़ा दीजिए। हो गया सर? सर एक बात बताइए, आपने स्लाइसर जो इंसर्ट करा है ये एक पिवट पे रख के करा है ना, जो ए से बी वाली अभी है? एक पिवट पे, अभी फिलहाल एक ही पिवट पे हो रही है, मैं एक पिवट पे क्लिक करके इंसर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें ही आपके पास एक टाइमलाइन भी आता है पिवट के अंदर, तो टाइमलाइन क्या है कि अगर डेटा में आपके पास डेट है तो डेट में मंथ वाइज क्वार्टर वाइज ईयर वाइज ऐसे फिल्टर लगाना नॉर्मल फिल्टर मुश्किल होता है, और स्लाइसर में भी मुश्किल होता है, उसको ग्रुपिंग वगैरह करने के बाद ही होता है, ग्रुपिंग में दिक्कत होती है। तो आप आपके पास टाइमलाइन है जो कि डेट पे वर्क करता है, तो मैंने इसको उठाया और डेट के लिए मैंने इसको यहाँ
अरे मान लीजिए मैं नीचे आ जाऊंगा उसको, ठीक है। अब यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम है कि मैंने अगर मई सिलेक्ट किया तो मेरा एक ही पिवट मई के अकॉर्डिंग गया, परफॉर्मेंस स्कोर 3 सिलेक्ट किया तो एक ही हुआ है, बाकी नहीं हो रहा है, क्योंकि बाकी पिवट हमारे फिल्टर से कनेक्टेड नहीं, स्लाइसर से कनेक्टेड नहीं, क्योंकि हमने स्लाइसर जो इंसर्ट किया वो एक स्पीकर के किया। तो यहाँ पे दो तरीके हैं फिल्टर को कनेक्शन करने का। पहला तरीका है कि पहले आप पिवट एक पिवट लगाएं, ध्यान रखिएगा सर, एक पिवट लगाएं और फिर उस पिवट के ऊपर अपने सारे स्लाइसर्स को ऐड कर लें, उसके बाद आप कॉपी पेस्ट करें। जैसे कि मैं इसको कॉपी करके नीचे यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं हेड काउंट की जगह पे मैं यहाँ पे जो है बोनस देना लेना चाहता हूँ, मैं सैलरी की जगह पे बोनस करना चाहता हूँ, ठीक है। अब बोनस तो कर लिया, अगर मान लीजिए कि मैं अब यहाँ पे जुलाई को सिलेक्ट करता हूँ तो देखिए बोनस भी इफेक्ट हुआ और ये भी इफेक्ट हुआ, बोला सर संदीप जी, संदीप जी, सुरेंद्र जी एंड विकास जी, यस सर, यस सर, सर एक बारी सुन दोबारा, आया ना यस सर एक यस, बारी दोबारा नहीं कि होनी थी। दोबारा सिंपल सी बात समझ लीजिए ना, कि पहले आप एक पिवट लगाएंगे, ठीक है संदीप जी, और इस पिवट में जो भी स्लाइसर चाहिए आप स्लाइसर ऐड कर लेंगे, उसके बाद उसको कॉपी करके जस्ट पेस्ट करना, जैसे हमने कॉपी पेस्ट किया ना पिवट को, ऐसे आपको पिवट को कॉपी पेस्ट करना है और अपना जो भी फील्ड है फील्ड चेंज कर दे। तो क्या होगा कि सेम डेटा में दूसरी पिवट बेटर, लग जाएगी और उस स्लाइसर का लिंक लेके आएगा। सर मतलब पहले एक पिवट लगाए उसमें स्लाइसर कनेक्ट कर लिया उसके बाद उसे कॉपी करें। हाँ मैं भी नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, लेकिन मैंने गलती कर दी जो आप अभी आपके सामने है, मैंने गलती कर दी, मैंने गलती कर दी कि मैंने पहले पिवट लगा दिया बाद में स्लाइसर लगाया। तो कोई बात नहीं आप, लेकिन आपको थोड़ा सा मेहनत बढ़ जाएगा कि हर एक पिवट पे क्लिक करना पड़ेगा, एनालाइज में जाना पड़ेगा और फिल्टर कनेक्शन पे जाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे आप इसको डिपार्टमेंट जो भी आपके स्लाइसर्स है वो स्लाइसर को सिलेक्ट करके ओपन कर, फिर दूसरे पिवट पे आए फिल्टर कनेक्शंस, और जो भी चेकबॉक्स है यहाँ पे शीट देख लीजिए, अगर आपने माना दो तीन पीवर लगा रखा है दो दो तीन अलग अलग शीट्स पे, तो यहाँ पे शीट के नेम दिखाएंगे, तो प्लीज इसी को ध्यान रखिएगा एंड ओके। ऐसा नहीं कि आप दूसरे शीट के फिल्टर को स्लाइसर को फिल्टर कनेक्ट कर दें, और हमने कनेक्ट कर दिया। अब मैं अगर मान लीजिए कि अप्रैल महीना सिलेक्ट करता हूं तो मेरा पूरा डेटा अप्रैल के अकॉर्डिंग आ, ओके okay? अब मान लीजिए कि ये तो हमारा हो गया ग्राफिकली, ये हो गया क्या बोलते हैं करेक्टली, हो गया डेटा शो कर रहा, लेकिन बेसिकली हम लोग एक समरी बनाते हैं और समरी पे उसको चार्ट के जरिए शो करते हैं, ऐसा ही करते हैं ना, तो भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे दिखाता हूं आपको, कि आप जाएं एनालाइज में पिवट चार्ट पे आए और यहां से अपना चार्ट को सेलेक्ट करें और यहां से अपना डिजाइन में जाएं, चार्ट के डिजाइन को अपने हिसाब से लें जो आपका डिजाइन है, और ये जो हेड काउंट और डिपार्टमेंट आ रहा है उसको भी हाइड कर सकते हैं, यहां से हाइड कर दीजिए जरूरत है तो, ये टोटल अगर रखना है तो रखिए, यहाँ टाइटल चेंज करना है तो टाइटल चेंज कर दीजिए, तो टोटल है तो मैं टोटल की जगह पे ले लेता हेड काउंट, पिवट हमारा फाइनल हो गया, ये चार्ट हमारा फाइनल हो गया। अब इस चार्ट को मैं कट करता हूं और जहां समरी है उस समरी पे जाके मैं इसको पेस्ट कर, ठीक है, फिर दूसरे पे आता हूं, फिर मैं यहां से एनालाइज में जाता हूं पिवट चार्ट, और चार्ट को यहां से ऐड करता हूं,
और इसकी डिजाइन में आता हूँ, इसकी फॉर्मेटिंग अपने हिसाब से चूज करता हूँ, जो फॉर्मेटिंग हमें चाहिए जैसा हमें चाहिए चाहिए मिल गया। और इसको भी राइट क्लिक करके हाइड कर देता हूँ, उतना हटा देता हूँ और यहाँ पे ले देता हूँ। कैप्स के अंदर डिपार्टमेंट मोबाइल ठीक है। अब इसको यहां से कट करता हूं और समरी शीट में जहां दूसरे जगह पर रखना है मैंने उसको दूसरे जगह पर रख दिया। इसकी साइज वगैरह कम करना चाहो तो अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। ठीक है, और भी जैसे चार्ट वगैरह है तो और भी चार्ट को अपने हिसाब से, स्लाइसर भी लगा हुआ है तो हम स्लाइसर सारे स्लाइसर को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करता हूँ। शिफ्ट के साथ स्लाइसर को सिलेक्ट किया, इसको भी कॉपी कर लेता, कट कर लीजिएगा तो यहाँ से हट जाएगा, कॉपी कीजिएगा तो इसकी एक कॉपी आपके समरी शीट पे चली जाएगी। एक इसके बाद यहाँ पे इसको ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगर अप्रैल सिलेक्ट करता हूँ तो मेरा चार्ट अप्रैल अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। मैं डिपार्टमेंट सिलेक्ट करता हूँ तो मेरा चार्ट डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। ठीक है सर, संदीप जी समझ में आया? तो बेसिकली अगर हम इस पे आईटी सिलेक्ट कर रहे हैं तो चार्ट चेंज कैसे हो रहा है, क्योंकि आपका यहां सीट में सार यहां पे आईटी सिलेक्ट हो जा रहा है, समझ गए? तो आप यहां से भी सिलेक्ट करेंगे, अगर मैंने यहां सेल्स कर दिया तो भी यहां समरी में ऑलरेडी सेल्स ही रहे, तो दो मिरर टाइप के बन गए। तो ये है स्लाइसर जिसका इस्तेमाल आप अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पे कर सकते हैं। बाकी आगे जब हम डैशबोर्ड वगैरह बनाएंगे तो उसमें आप इसके बारे में और इसके एग्जाम्पल लेंगे, बाकी विस्तार तो कुछ नहीं है, सेम ही है। हाँ ये है कि इसमें इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह चेंज करना चाहते हैं, इसके ऑप्शंस है यहाँ पे, जैसे कि कॉलम मैंने 5 कर दिया, इसके हाइट वेट वगैरह बढ़ाना, इसका अलग अलग डिजाइन्स है वो डिजाइन्स बढ़ाना, डिफॉल्ट कलर वगैरह बढ़ाना, ये चीज आप लोग यूज कर सकते। ठीक है संदीप जी, संदीप जी नंदा जी सर, जी, यस सर, ये स्लाइसर। अब जरूरी नहीं है कि स्लाइसर सिर्फ हमारा पिवट पे ही लगेगा, मेरे सामने एक डेटा है, हम डेटा के ऊपर भी स्लाइसर लगा सकते हैं, लेकिन उस डेटा को चेंज करना पड़ेगा पहले टेबल में। तो होम में या इंसर्ट में आएंगे तो यहाँ आपको टेबल दिखेगा, टेबल पे गया एंड ओपन कर दिया। जब टेबल में कंफर्म हो जाएगा तो यहाँ देखिए स्लाइसर आपको दिख रहा है, इसमें टाइमलाइन नहीं है सिर्फ स्लाइसर है। तो इसका स्लाइसर से करते क्या है, स्लाइसर से ये होता है आपका फिल्टर, जैसे मैंने मंथ और डिपार्टमेंट ले लिया। अब यहां पे अगर मैं आईटी सिलेक्ट करता हूं तो मेरा डेटा पूरा का पूरा डेटा आईटी का हो जाएगा। तो यहां से जो फिल्टर लगाते हो उस फिल्टर की जगह पे आप इस फिल्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, इसे अब इसी फिल्टर स्लाइसेस की मदद से हम मैंने एक रिपोर्ट बना बनाई थी, हालांकि मैंने उसको नहीं बनाया था, मैंने प्रोजेक्ट दिया था तो किसी और ने बनाया था। बेसिकली डेटा वही है जिस डेटा पे हमने पिवट बताया ना, वही डेटा है सर।
लेकिन एक कंपेयरिंग है, कंपेयरिंग बिटवीन टू डिपार्टमेंट्स एंड ऑल डिपार्टमेंट्स। जैसे कि ये डेटा हमारे पास ह्यूमन सैलरी का ही डेटा है, तो इसमें हमने यहाँ पे दिया वो देखा है कि हम यहाँ से डिपार्टमेंट सेलेक्ट करते हैं, हमने सेल्स और हमने आईटी को कंपेयर किया, तो सेल्स में 13 एम्प्लॉई है जिसकी मिनिमम सैलरी इतनी है, मैक्सिमम एवरेज सैलरी इतनी है, मैक्सिमम इतनी दे रही है और टोटल सैलरी इतनी दी जा रही है, ऐसी बोनस, ऐसे ओवरटाइम, और उनका परफॉर्मेंस स्कोर मिनिमम 1 है, एवरेज इतना है और मैक्सिमम 5 है, और छुट्टियां भी उसी हिसाब से दिया गया है, ठीक है। और फिर इसमें हमारा आता है डिपार्टमेंट कि आईटी डिपार्टमेंट की 15 है, इसकी मिनिमम सैलरी 38,000 है, मैक्सिमम 89,000 है, एवरेज 78,000 है, 68,000 है, और टोटल सैलरी इतनी दी गई है, और इन दोनों का कंपेयर है ओवरऑल से, ओवरऑल जो हमारा डिपार्टमेंट 100 है, उस 100 डिपार्टमेंट में मिनिमम 20,000 है, मैक्सिमम 149,000 है, टोटल सैलरी इतनी दी गई है, बोनस इतना दिया गया है, ओवर टाइम है और परफॉर्मेंस स्कोर है, मतलब कि ये समझिए सैलरी, बोनस, ओवर टाइम, परफॉर्मेंस स्कोर एंड सिक डे की छुट्टी का कंपेयर है बिटवीन टू डिपार्टमेंट के साथ, और कंपेयर आल्सो ऑल डिपार्ट ऑल एम्प्लॉई के साथ। तो इसको बनाने में यूज किया गया है स्लाइस। अब कैसे किया गया है ये आपको मैं बना के तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं समझा देता हूं। तो बेसिकली जो ओवरऑल डिपार्टमेंट है ये तो नॉर्मली सम है कि मिनिमम मैक्स मिनिमम फॉर्मूला लगा लिया, मैक्सिमम एवरेज लगा लिया, मैक्सिमम लगा लिया, इसमें कोई खास नहीं है, ये तो सिंपल है। अब बात करते हैं ये पहला सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 का। तो इसने डेटा को दो बार बांट दिया हुआ है, समझ गए, एक डेटा को इसने यहां रखा हुआ है और एक डेटा को इसने यहां रखा हुआ है, दो अलग अलग सीट पे। अब से सेक्शन 2 की डेटा को देख ले, तो अगर इसकी स्लाइसर, इस पे स्लाइसर लगाया गया है क्योंकि टेबल, देखिए टेबल फॉर्मेट, इसकी स्लाइसर लगा के उस स्लाइसर को डैशबोर्ड पे यहां डाल दिया गया है। तो अगर मैं सेल्स पे क्लिक करता हूं तो सेल्स का फिल्टर हमारा सेक्शन 2 में लग जाता है, गया। जैसे कि अभी मैंने आपको यहां अपने इस स्लाइसर में बताया कि मैंने मई सिलेक्ट किया तो मैं पूरा डेटा मई का आ गया। तो अभी स्लाइसर को मैं इसी सीट पे रख दूं या इसको कॉपी करके किसी और सीट से भी ट्रिगर कर सकता हूं, जैसे कि मैंने अभी समरी पे किया है कि पिवट हमारा सीट 1 पे है बट हम स्लाइसर को ट्रिगर समरी सीट से कर रहे हैं, तो सेम तरह से यहां से किया गया। तो सेल्स का डेटा आ गया, ऊपर जो फॉर्मूला लगा हुआ है वो लगा हुआ एग्रीगेट एंड सब टोटल, दोनों एक ही फॉर्मूला है, आगे से समझाऊंगा। तो ये क्या कर रहा है कि मिनिमम मैक्सिमम एवरेज टोटल काउंट निकालना है। तो एग्रीगेट जो करता है वो सिर्फ विजुअल सेल्स को ही सम करता है, जैसे कि एग्रीगेट यहां दिया, एग्रीगेट में इसने 5 नंबर ले रखा है, 5 नंबर मतलब कि जैसे एग्रीगेट में फॉर्मूला आप लगाएंगे तो नंबर देता है कि क्या करना है, तो इसको करना है मिनिमम, तो मिनिमम 5वें नंबर पे है, इसलिए 5 दे दिया। स्किप बोला कि भाई हिडन सेल को स्किप करना है, ये 5वां आपका हिडन सेल का ही होता है, देखिए हिडन रो। तो एग्रीगेट के जगह पे हम सब टोटल भी लगा सकते थे, अगर मैं बात करूं कि एवरेज ही निकालना है तो मैं यहाँ पे सब टोटल भी लगा, लेकिन सब टोटल से भी कुछ प्रॉब्लम है इसलिए एग्रीगेट इसे लगाया। तो इससे क्या हुआ कि जो जो फिल्टर होगा, जो डेटा दिखेगा, एग्रीगेट कैलकुलेशन उसी डेटा का करेगा, और जो कैलकुलेशन यहां आपको किया दिख रहा है इसी कैलकुलेशन को एक सही तरीके से यहां पे डैशबोर्ड पे अरेंज कर दिया गया है एक फॉर्मेट। तो देखने से लगता है कि इसमें बहुत मेहनत किया गया, लेकिन बहुत ही सिंपल तरीके से इसको बनाया गया है, ना इसमें कोई बड़ा है फॉर्मूला लगा हुआ है, एक बस एग्रीगेट फॉर्मूला लगा हुआ है और कुछ नहीं लगा हुआ है, और स्लाइसर के जरिए डेटा को फिल्टर करा है। सही है, डबल फाई क्यों हुआ है एग्रीगेट के आगे? एग्रीगेट एक फॉर्मूला है, जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पे समझाता हूँ, हालांकि इसको आगे समझाने वाला था लेकिन मैंने टॉपिक पे नजर से दिखा दिया, जैसे हमारे आपके सामने फॉर्मूला है। अब यहाँ पे आप नॉर्मल सम करते हैं ना,
क्या होता है, इसका सम दिखता है सर। ना? अगर मैं बीच में दो तीन सीट को हाइड कर देता हूँ फिर भी रिजल्ट आपको उतना ही दिख रहा है ना। तो यहीं पे एग्रीगेट काम करता है, एग्रीगेट करता है यहाँ पे एग्रीगेट। तो एग्रीगेट में सम ही नहीं, बहुत सारी चीज कर सकते हो। तो मैं सम करना है तो मैंने ले लिया नौवां नंबर, नाइन है। पूछता है कि क्या हाइड करना है, मैंने बोला कि हिडन। और फिर हमने डेटा रेंज किया। अब क्या हुआ कि भी टोटल दिख रहा है, लेकिन जैसे ही हम कुछ कुछ सेल्स को हाइड करेंगे, सॉरी हाइड हो गया, हाइड करेंगे ओके रिजल्ट चेंज हो गया। ओके ओके सर, क्लियर है? यस सर क्लियर। संदीप जी क्लियर है सर। ओके, तो हमारा स्लाइसर का पार्ट खत्म हुआ और हम अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पार्ट हमारा है रिलेशनशिप पिवट। तो चलिए मैं एक बार फाइल इसको कहां से हटाता हूं, ये फाइल मैं भेज दूंगा आप लोगों को, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। रिलेशनशिप पिवट, अब रिलेशनशिप पिवट के लिए मुझे एक सिंपल डेटा बनाना होगा। अब सिंपल डेटा आपके सामने बनाऊंगा तो समझ में आएगा। तो मेरे पास क्या है, एक सेल्स, मेरी एक सेल्स है, मान लीजिए सेल्स का डेटा है। इसमें मेरा सेल्स आईडी है, जो एक सेल्स ट्रांजेक्शन आईडी होता है वो हो गया, डेट किस दिन को मैंने सेल किया, कौन सा प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में हमने यहाँ पे पीआईडी प्रोडक्ट आईडी डाल दिया हुआ, क्वांटिटी, और यहाँ पे हमने यहाँ पे एमआरपी वगैरह नहीं डाला हुआ। तो मेरे पास एक डेटा है, और डेट भी डाल देता हूं। और पीआईडी हमारे, मेरे पास पांच प्रोडक्ट की लिस्ट है, मैं पांच प्रोडक्ट को ही सेल कर रहा हूं। और यहां पे हम प्लान बिटवीन फॉर्मूला देके अपनी क्वांटिटी डाल देते हैं। ये डेटा है हमारे। अब प्रोडक्ट की तो इंफॉर्मेशन है, प्रोडक्ट का सिर्फ एमआई क्या, प्रोडक्ट का नेम क्या है, उसकी एमआरपी क्या है, ऐसी चीज यहां नहीं दी गई। इसको हमारे पास एक अलग प्रोडक्ट शीट है, तो इसमें हमारे पास पीआईडी है, नेम है, साइज है और एमआरपी 1, 2, 3, 4 और 5। नेम मान लीजिए कि यहाँ पे एबीडी है, सुनील जी म्यूट कर लीजिए, थोड़ा सा शोर आ रहा है। एसडी है, टीएफटी है, सीआरटी है, एलईडी, और इसकी साइज जो है इस तरह से। ठीक है, उसकी एमआरपी भी कुछ इस तरह से है। आप बोलोगे सर ये डेटा यहां पे क्यों नहीं रखा है, इसको बोलते हैं डेटा सिंपलाइजेशन। क्योंकि अगर मान लीजिए से डेटा, अगर मान लीजिए पीआईडी नंबर दिया हुआ है, तो इसमें पीआईडी नंबर कितना बार रिपीटेड है, ये आपका तकरीबन 475 बार है। तो चार यहाँ पे तीन कॉलम का 475 डेटा, मतलब कि तकरीबन 1600 सेल्स फालतू में ऐड हो जाते हैं। इसलिए सिर्फ हमने यहाँ पे पीआईडी कोड डाल दिया, जब जरूरत पड़ेगी तो हम इसको इस सीट से, इस पीआईडी वाली सीट से लुकअप कर देंगे। अब बात आई कि मुझे पिवट टेबल में प्रोडक्ट बाय टोटल क्वांटिटी चाहिए, प्रोडक्ट बाय टोटल क्वांटिटी। अब प्रॉब्लम है कि मेरे पास डेटा में तो सिर्फ पीआईडी है, प्रोडक्ट तो, प्रोडक्ट नेम तो अलग सीट पे, तो उस केस में कैसे करें।
तो दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप यहाँ पे प्रोडक्ट का आईडी लिख के वी लुक अप आके ऐड करके फिर कीमत लगा लो, जो कि सही नहीं होगा क्योंकि डेटा बार बार कॉपी पेस्ट होता है तो हर बार वी लुक अप लगाना पड़ जाता है। दूसरा है रिलेशनशिप पिवट, और मैं भी बता दूं रिलेशनशिप पिवट भी आपको 2013 ऑनवर्ड मिलेगा। तो पिवट लगाते समय इसके दो तरीके हैं। पिवट लगाते समय मैं यहां पे एड दिस डेटा टू डेटा मॉडल पे क्लिक करूंगा, एड ओके, ध्यान रखिएगा यहां पे क्लिक करना जरूरी है, ये थोड़ा सा टाइम लगेगा फर्स्ट टाइम। नॉर्मल पिवट तो लगाते तो लग जाता है, लेकिन जैसे ही आप डेटा मॉडल ऐड करेंगे तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करेगा। ओके अब फिर पीआईडी जो आपका प्रोडक्ट है इसको भी सिलेक्ट करके मुझे पिवट लगाना होगा, इंसर्ट पिवट और ऐड डेटा टू डेटा मॉडल। उसके बाद जैसे दो पिवट को आप डेटा मॉडल में ऐड करेंगे आपके एनालाइज पिवट टेबल के एनालाइज में रिलेशनशिप एक्टिवेट होगा। तो किसी भी इस पे चल जाइए या इस पे चल जाइए, किसी भी पिवट पे चल जाइए और रिलेशनशिप पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे न्यू न्यू में यहाँ पे क्या हुआ कि पहला पिवट मतलब क्या था सेल्स था तो रेंज आ गया, दूसरा पिवट आपका क्या था पीआईडी था तो वो आपका रेंज ए वन आ गया। तो रेंज में हमने बोला कि इसकी जो पीआईडी है वो रेंज वन के पीआईडी से मैच कर दी। जैसे वी लुकअप लगाते समय आप देते हैं ना यूनिक आईडी, तो यही बात आपको बताना पड़ेगा कि कौन किसका रिलेटिव है। तो आपने बोल दिया ये इसका रिलेटिव है और उसको ओके कर दीजिए। लेकिन पेपर रिलेशनशिप लगाते समय एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आप जो दो टेबल के बीच में लगा रहे हैं, से आपने लगाया पीआईडी और सेल्स के बीच में, तो सेल्स में हमारा पीआईडी रिपीटेड है नो प्रॉब्लम, बट पीआईडी में ये यूनिक है। तो जो दो फील्ड जिसको रिलेट करना चाहते हैं उसमें से कोई एक यूनिक होना चाहिए। अगर ये भी यहाँ पे पीआईडी डुप्लीकेट होता तो आपका रिलेशनशिप नहीं लगता। तो सिंपल सी क्यों समझ जाइए कि तो दो डेटा के बीच में हम रिलेट कर रहे हैं, जो रिलेटेड करने वाले फील्ड है दोनों में से किसी एक में यूनिक होना चाहिए, दोनों डुप्लीकेट होंगे तो मुश्किल हो जाए। उसके अंदर के डेटा मैंने वो फाइल बदल गया, उसके अंदर के डेटा डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। संदीप जी सुरेंद्र जी समझ में आया आपको? संदीप जी सर। अब हम किसी भी पिवट पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए एक एक्टिव होगा एक हमारा ऑल होगा। अब मैं ऑल पे क्लिक करता हूँ दोनों रेंज यहाँ आ गए। मैं रेंज ए वन से उठाता हूँ प्रोडक्ट का नेम और रेंज से उठाता हूँ क्वांटिटी। और भी चाहिए तो मैं रेंज ए वन से उठाता हूँ साइज। तो दो पिवट के बीच का ये डेटा हमने दो हमने हमने एक पिवट टेबल लगाया दो डेटा से। क्लियर सर? संदीप जी हाँ जी सर। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन, मेरा एक क्वेश्चन है सर, दोनों में हमें ऐड ऐड डेटा वो करना पड़ेगा पिवट में दोनों? हाँ। पिवट अभी तो पीछे जाएगी बैकएंड में, वो भी अभी आपको बताता हूँ, वही मैं आपको समझाना चाह रहा था। इसमें दो प्रॉब्लम है, दो क्वेश्चन आती है। पहले क्वेश्चन कि मेरे पास तो दो डेटा है, अगर मैंने इसका तीसरा डेटा बना दिया, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक सी आई डी बना दिया कस्टमर आई डी, यहाँ पे डाल देता हूँ सी आई डी और यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5 और यहाँ पे देता हूँ नेम और यहाँ पे सिटी। अब तीन हो गया, 4 5 6 7 ऐसे ज्यादा होंगे तो उतने पिवट लगाने पड़ेंगे। पहली क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन कि आप देखा सेल्स में हमारे पास क्वांटिटी सिक्स है और प्रोडक्ट में हमारे पास एमआरपी है, मुझे रेवेन्यू निकालना होगा तो मुझे प्रोडक्ट और इसके एमआरपी और इसको कैलकुलेट कैसे करना। तो दोनों का
दोनों क्वेश्चन का जवाब है रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप तो किया ही हमने, तो रिलेशनशिप किसका? रिलेशनशिप हो गया आपका पावर पिवट का। तो मेरे पास पावर पिवट का ऑप्शन आ रहा है, बट आप अपने सिस्टम पे देखेंगे तो आपके सिस्टम पे एक पावर पिवट नहीं दिखेगा। तो चलिए पहले जानते हैं कि पावर पिवट लाएंगे कैसे। अगर आपने हर डिफॉल्ट नहीं होता है, ये एडिंग्स होता है, इसको ऐड करना होता है, तो फाइल मेनू बार के अंदर ऑप्शन पे आप आ जाए, और इस ऑप्शन के अंदर आप जो है एडिंग्स वाले चैप्टर पे चले जाए। एडिंग्स में यहां एक्सेल एडिंग्स दिख रहा है, इसके जगह पे आप कॉम एडिंग्स को सिलेक्ट करें एंड गो पे क्लिक। यहां पर आपको दिख जाएगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पिवट फॉर एक्सेल, दिख गया। इस पे क्लिक करके जैसे आप ओके करेंगे, यहां पे आपके पास पावर पिवट का नया टैब खुल गया। अब मान लीजिए कि ऐसा कर दिया फिर भी नया टैब नहीं आया, मतलब कि इससे पहले आपने पावर पिवट ऐड किया हुआ था, बाद में उसको आपने हाइड कर दिया, तो कस्टमाइज इवेंट में जाके आप देखें कहीं पावर पिवट पे अनचेक तो नहीं लगा हुआ। अब अनचेक है इसका मतलब कि हाइड कर दी गई है। अब पावर पिवट मेरे पास आ गया, तो अब डेटा को ऐड करना है, इसको सिलेक्ट करें, और सिलेक्ट करने के बाद पावर पिवट में ऐड डेटा टू डेटा मॉडल। तो जो काम हम पिवट लगाते समय क्लिक करके करते थे, वो काम हम बिना पिवट लगाए ऐड टू डेटा मॉडल कर सकते हैं। इस पे क्लिक करेंगे और डेटा मॉडल में ऐड करते समय एक चीज का ध्यान जरूर रखिएगा कि माय डेटा हैज ए हेडर पे क्लिक होना चाहिए। फिर मैं इसको ओके करता हूं। ये आपका देखिए कुल क्या आ गया। तो जो पहले से आपने डाल रखा था वो भी आ गया, और यहां भी ये भी आ गया, टेबल वन टेबल टू टेबल थ्री रेंज रेंज वन है। तो आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैं रेंज को इसको मैं कर देता हूं सेल्स, ताकि हमें रिलेशनशिप करने में या फिर कैलकुलेट करने में दिक्कत ना हो। अब इस रेंज वन ए वन जो है हमारा वो क्या है, प्रोडक्ट है, इसको हम कर लेते हैं प्रोडक्ट। और जो यहां टेबल वन है इसका मैं कर देता हूं राम कस्टमर। तो तीनों सीधा है। अब तीनों के बीच में रिलेशन क्रिएट करना है, तो यहां पे रिलेशन क्रिएट करना थोड़ा सा सिंपल है कि किसी भी पे जाइए, यहां ऊपर दिखेगा आपको डायग्राम व्यू, तो डायग्राम व्यू पे आए। तो जैसे एमएस एक्सेस सिक्वल सेल में रिलेशनशिप खुल के आती है ना, उस तरह से खुल के आएगा। एक रिलेशनशिप कर चुके हैं, यहाँ पे दूसरा रिलेशन किया हुआ पीआईडी और पीआईडी। बट एक छोटी सी दिक्कत देखिए कि हमने सेल्स में सेल्स की आईडी तो ऐड की ही नहीं ना। यहाँ पे मैं क्वांटिटी से पहले एक रो ऐड करता हूं सी आई डी, और यहां भी रेंज एक सिलेक्शन पास तो देता हूं, कॉपी किया अटैक। अब यहां पे आता हूं, एक बार डेटा व्यू में जाता हूं, एक बार वापस डायग्राम व्यू में जाता हूं। क्या नहीं है ना, डेटा व्यू पे आता हूं सेल्स पे जाता हूं, तो यहां आपको दिख रहा होगा रिफ्रेश, एक बार इसको रिफ्रेश कर। सीआईडी कॉलम ऐड हो गया, हो गया ना सर। वापस डायग्राम व्यू में आता हूं, यहां पे सीआईडी आ गया। अब मैं इस सीआईडी को उठाता हूं
और इस स्लाइडिंग के ऊपर जस्ट होल्ड करके छोड़ देता हूं, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्रिएट हो गया। समझ गए संदीप जी एंड सुरेंद्र जी, विकास जी? यस सर। तो हमने पहली प्रॉब्लम सॉल्व कर ली कि हमें बार बार पिवट लगाने की जरूरत नहीं है, हम डेटा मॉडल ऐड करके चले जाएंगे। दूसरा आता है कैलकुलेशन। तो मुझे क्वांटिटी को एमआरपी से करना है, सबसे पहले यहाँ पे हम कैलकुलेशन भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, नया टेबल जो कि पिवट के अंदर नहीं आएगा, जो कि याद होगा ना हमने कैलकुलेटर करते थे इसमें जाके फील्ड में, वो कैलकुलेशन यहाँ भी कर सकते हैं हम, और रिलेशनशिप पिवट में यहाँ ही होगा कैलकुलेशन। तो यहाँ पे हम बोलते हैं एम आर पी एड किया। अब इस एमआरपी को मुझे कॉल करना है तो इसके लिए रिलेटेड नाम का फॉर्मूला होता है इसमें, रिलेटेड। और क्या चाहिए आपको? तो प्रोडक्ट का एमआरपी चाहिए। यहां पे आ गया एमआरपी लुकअप होके, और फिर यहां पे मैं एक नया फील्ड बनाता हूं जिसका नाम है अमाउंट। और यहां पे मैं करता हूं कि इसको सिलेक्ट नहीं, इस तरह से सिलेक्ट नहीं कर सकते आप, ठीक है ना? तो अब लिखना ही पड़ेगा। यहां बोलते हैं कि सम ऑफ क्वांटिटी, दिख रहा है आपको ना, सम ऑफ क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय वन। सम ऑफ क्वांटिटी नहीं होगा इसमें, क्वांटिटी होगा, माफ कीजिएगा गलती हो गई, अच्छा ये इस कॉलम को डिलीट कर दीजिए, फिर एक कॉलम उधर ऐड हो गया, यहाँ पे डिलीट कॉलम्स। उसके बाद ये हो गया पूरा, आपने कैलकुलेशन कर लिया, फिर जाइए पिवट टेबल और न्यू वर्कशीट या एक्सेल वर्कशीट जो भी सिलेक्ट करना करके ओके कीजिए। आपका ये पावर पिवट से बना हुआ पिवट जिसमें तीन टेबल है, अब अपने हिसाब से उठाइए। मैंने सेल्स में गया और सेल्स उठाया अमाउंट को, फिर मैंने गया प्रोडक्ट में गया और प्रोडक्ट उठाया नेम, फिर मैं कस्टमर में गया और यहां से उठाया नेम और सिटी, ये आपका हो गया। इस पे भी आप स्लाइसर लगा सकते हैं और तीनों टेबल से स्लाइसर लगेगा, स्लाइसर्स, और आपके सामने स्लाइसर के तीनों टेबल आ गए। मैं यहां से सिटी को फिल्टर में रखना चाहता हूं, ये आपका सिटी है। फिर मैं इस पे ये करना चाहता हूं टाइम लाइन, तो 2020 थी, संदीप जी गुड आउट इसमें? यस सर, यस सर। संदीप जी तो पावर पे, अब बात है पावर पे भी इतना ही नहीं है, और भी चीजें हैं, पावर क्यूरी हो गया, लेकिन ये चीज अभी आपको समझ में नहीं आ रहा। जब हम डेटा मेनू बार में आपको कराएंगे क्यूरी, ठीक है ना, आपको क्यूरी
तो इसमें भी आप हम इसका यूज करेंगे कि आप डिफरेंट डिफरेंट एंगल से डेटा लें, उसको ले जाएं, उसको रिलेशनशिप करें, एसक्यूएल क्वेरी इस्तेमाल करें और इसका यूज करें, तो वो हम वहां पे आपको सिखाएंगे। ठीक है? तो क्यू पावर क्यूरी एंड पावर पिवट का एक अलग चैप्टर आपके इसमें आएगा, जब आप एक्सटर्नल डेटा या डेटा कनेक्शन सीखेंगे। तो अभी यहां पे मेरे हिसाब से पिवट टेबल हो गया फिनिश। अब अगला चैप्टर में यहां पे चार्ट वगैरह है, तो इन सबों का यूज हम अभी नहीं कर रहे क्योंकि इन सबों में फॉर्मूला का इस्तेमाल होता है, तो हम डायरेक्ट जंप मारेंगे फॉर्मूला मेनू बार। बोलेंगे सर इससे पहले की चीजें भी तो है, आपका ये जो है पेज लेआउट सिंपल है, पेज की सेटिंग है कि भाई पेज का मार्जिन क्या होगा, उसकी ओरिएंटेशन क्या होगा, साइज क्या होगा, प्रिंट एरिया पर सेट करना, बैकग्राउंड लगाना, प्रिंट वगैरह वगैरह, ये नॉर्मल चीजें हैं। इसमें कोई खास चीज सीखने वाली है नहीं, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि कोई चीज आपको अच्छा है सीखना है तो बता दीजिएगा, बता पेज लेआउट सर, तो पेज लेआउट में वो लेते हैं जो जब हम एक्सेल में पेज ब्रेक रिव्यू लगाते हैं। हेलो सुन रहा हूँ ना। सर, तो वो पेज ब्रेक रिव्यू लगाते हैं तो उस समय मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो मेरे को मतलब मैंने इसलिए अभी आपसे रिक्वेस्ट नहीं पूछा था क्योंकि मैं तो ज़्यादा पेज बाय पेज करें, तो आप मेरे को देखिए मतलब ये वाली चीज़ बता पेज दीजिएगा। पेज ब्रेक इसका यूज होता है प्रिंट के लिए। मैं एक डेटा लेता हूँ जिसमें प्रिंट कर सकूँ। चलिए मैं पेज लेआउट ही आज करा देता हूँ पूरा ए टू जेड। डेटा तो इसकी प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए जैसे कि हम लोग यहाँ पे लेते हैं और प्रिंट पे जाते हैं, तो प्रिंट में आप देखेंगे पहले यहाँ पे आपके पूरा नहीं आ रहा है, सही तरीके से डिपार्टमेंट तक ही आ रहा है। तो इस पेज में और क्या क्या, यहाँ पे पेज ब्रेक आपको दिख गया लाइनिंग में, भाई आपके एक पेज पे इतना ही आ रहा है। चलिए इसकी सेटिंग करते हैं। पेज लेआउट पे सबसे पहले हम मार्जिन सेट करते हैं। मार्जिन मतलब हुआ कि टॉप से बॉटम से लेफ्ट से राइट से कितना छोड़े, तो ये तो बहुत ज्यादा मार्जिन छोड़ रहा है। यहाँ पे आप नैरो पे आएंगे तो ये मार्जिन कम छूटे। अब देखिए एक कॉलम हमारा स्पेस बढ़ गया, ठीक है। अब आपका डेटा विड्थ वाइज है, मतलब कि देखिए इसमें कितने कॉलम कितने कम कॉलम है, पोर्ट्रेट ही होगा, लेकिन कभी कभी से अटेंडेंस वगैरह होता है जिसमें कॉलम बहुत सारे होते हैं, तो उसको हम ओरिएंटेशन करके चेंज करके लैंडस्केप कर देते हैं। पेपर की साइज आप कुछ लोग लीगल यूज करते हैं, लेटर यूज करते हैं या फिर कोई और यूज करते हैं, तो पेपर के डिफरेंट डिफरेंट साइजेज है, लेकिन बाय डिफॉल्ट लेटर या फिर इसको A4 आप कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं प्रिंट एरिया की। अब प्रिंट एरिया का यूज होता है जैसे कि ये ले लीजिए आपका एक डैशबोर्ड है, तो अगर मैं इसको प्रिंट करता हूं, ये देखिए ये आ रहा है, इसमें मैंने क्या किया इसको पोर्ट्रेट नहीं इसको लैंडस्केप कर दिया। तो लैंडस्केप का आप देखें ना ऊपर की स्लाइसर वगैरह भी आ रहा है ना, मैं इसको नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा सिर्फ एक चार्ट, या फिर मान लीजिए आपका जो डेटा है यहाँ पे मेरा जो पिवट डेटा है सिर्फ यही प्रिंट पे आना चाहिए। इसको आपने सिलेक्ट किया और इसको कर दिया यहां पे सेट प्रिंट एरिया। अब क्या होगा जब मैं इसको प्रिंट दूंगा तो मुझे फालतू की चीजें नहीं नजर आएंगी, ठीक है। मार्जिन में बढ़ा देता हूं। सर, मेरा एक क्वेश्चन है, पूछिए। सुरेंद्र बोल रहा हूँ सर, मेरा एक क्वेश्चन है सर, ये फिल्टर का शॉर्टकट की है क्या है सिलेक्ट करने के लिए? करने के लिए फिल्टर का हाँ जी, वो कंट्रोल जो शिफ्ट नहीं नहीं सर, अगर आपने अभी पिवट बनाए थे ना, वो पिवट में एक फिल्टर होता है ऊपर का, जो ऊपर ऊपर सर उसके ऊपर एक फिल्टर होती है ना, हाँ वहाँ पे अच्छा, वो पेज फिल्टर जो होता है सो सर, उसका शॉर्टकट की क्या है, हाउ टू सिलेक्ट, एक बार दिखा देंगे सर? आपका शॉर्टकट के साथ नहीं है,
नहीं, शॉर्टकट की शायद उसका नहीं है। बेसिकली क्या ना सर, शॉर्टकट की पे मेरी कमांड नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं पिछले करीब 7-8 सालों से शॉर्टकट की इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि शॉर्टकट इस्तेमाल करूंगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा मैंने क्या प्रेस किया। करेक्ट करेक्ट अब लेकिन यहाँ पे जब कर्सर आपका ले जाते हैं तो इस पे ऑल्ट और ये होता है, ऑल्ट के साथ अगर डाउन एरो की अगर करते हैं तो आपको ये फिल्टर आ जाता है। दिखता था, लेकिन सर उसमें से मेरे को लास्ट की समझो सिलेक्ट करना है, डी सिलेक्ट कर देंगे और लास्ट की मेरे को सिलेक्ट करना है, लास्ट में ब्लैंक आएगा आप इनके। एक काम कीजिए, यहाँ पे पहले को हटा दीजिए और मान लो जैन को सिलेक्ट करना, अब मुझे लास्ट में करना है तो इसी में एंड साइड होता है, एंड पे दबाइए लास्ट में चले जाइएगा, एंड की जो होता एंड है की ऊपर ओके आना ओके है तो होम आ जाइए। ठीक है और पेज अप से क्या होगा, पेज पेज अप पेज डाउन से क्या होगा कि एक साल से पेज अप किया मैंने, पेज डाउन किया तो देखिए बहुत सारे नीचे आ गए ना, ठीक है। ठीक है सर चलिए अब इसमें ये हो गया, हम वापस ना पे यहाँ पे विद आउट, तो प्रिंट एरिया से बंदा आ गया। पास। ओके प्रिंट एरिया के बाद आगे बढ़ते हैं या तक पेज ब्रेक। अब पेज ब्रेक का इस्तेमाल क्यों होता है, जैसे मान लीजिए कि मैंने सैलरी से सॉर्ट कर दिया, यहाँ पे सैलरी में सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, और मैं सबसे पहले पेज पे मैं टॉप 5 को दिखाना चाहता, उसके बाद बाकी नॉर्मल है जो कवर पेज भी कर सकते हैं, तो मैं चाहता हूं कि भाई एक यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5वें के बाद दूसरा अलग पेज पे आए, तो यहां पे सिलेक्ट कीजिए और इंसर्ट पेज ब्रेक, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो आप देखेंगे कि पहला पेज पे मेरा 5 ही आ रहा है, फिर दूसरा पेज पे बाकी आ रहा सर एक बारी है। एक दोबारा तो पेज कीजिए मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहां पे इन पेज ब्रेक कर दिया, इंसर्ट पेज ब्रेक। मतलब आपने कुछ मतलब जैसे आप मान लीजिए सर टॉप 6 मतलब टॉप 5 तक लेना चाहते हो, तो मतलब आपने 7th रो को सिलेक्ट करके पेज ब्रेक लगाया था इंटरव्यू हाँ 6 मतलब जिस पे लगाएंगे उसके ऊपर में होता है, और दुआ लगा दो सर देखिए, सर जैसे मैंने यहाँ पे मेरा क्लिक किया ना तो पेज ब्रेक 6 6 तक आएगा, 6 के नीचे बॉटम में लगेगा। सर एक क्वेश्चन है मेरा, सर मान लीजिए हाँ अगर ये डेटा 1000 में होता ठीक है, और हमें मतलब बहुत सारे प्रिंट आउट चाहिए और मैं चाहता हूँ कि मेरा हर 100 के बाद पेज ब्रेक लगे, तो उसके लिए कोई पैसा और फीस। सर तो फिर उसके लिए आपका वीवी इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ दो ही ऑप्शन है, आप मैनुअल लगाएं या फिर आप पेपर की साइज देख लें, या फिर आप पेपर की साइज के अकॉर्डिंग अपने टेक्स्ट के साइज को इस लेवल पे कर दें ताकि एक पेज में 100 ही आए, सुनना है आप। देखिए मैं इसको एक बार शॉर्ट करता हूं, तो अभी जैसे हम पेज यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं तो ये 49 तक आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि 50 एक पेज में 50 ही आए, तो मैंने क्या किया पेपर के इस पे जो स्केल है ना स्केल को थोड़ा सा घटाया 95% किया, अब मैं देखता हूँ कि मेरी जो प्रिंट है वो 52 तक आ रहा है, आ रहा है 52 तक, तो मैं थोड़ा सा मार्जिन बढ़ा देता हूँ टॉप का मार्जिन, बॉटम का मार्जिन बढ़ा देता हूं। अब क्या है ये थोड़ा सा सेंसिटिव की टेल है, अभी 49 आ गया, मार्जिन ज्यादा बढ़ा दिया मैंने। कम करना पड़ेगा। चार्ज हो गया ना सर, सर और अगले पेज पे क्या है 51 से 99 है,
100 ही आ गया, या नीचे पे ना पूजा भी 100 है, तो हर 50 रुपए ब्रेक लग गया, तो टैक्स सही। लेकिन दिक्कत क्या होगी कि मान लीजिए आपको हर 10 पे लगाना है तो टैक्स को तो बहुत बढ़ा करना पड़ जाएगा ना, या मार्जिन बढ़ा दीजिए ताकि पेज पे 10 ही आए। मैं सर नहीं तो टैक्स साइज को छोटा बड़ा कर देंगे, लेकिन वो तो बड़े लेवल पे होगा, जहां पे आप 50 40 50 करना चाहते हैं तो टैक्स बड़ा या छोटा हो जाएगा, लेकिन आप हर पेज पे 10 करना चाहते हैं 20 करना चाहते हैं तो वहां पे तो फिर सीट पे होगा, तो वहां पे आप मार्जिन बढ़ा सकते हैं कि मार्जिन को बढ़ा या घटा दीजिए, सेट कर दीजिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट वीवीए प्रोग्रामिंग के जरिए आप प्रोग्राम लिख देंगे और ऑटोमेटिक वो 100 100 रो पे भेज देंगे, सब पता चला जाएगा, या जो भी नंबर देंगे उस पर पता चला जाएगा। अब बैकग्राउंड की बात आती है, तो बैकग्राउंड क्या करता है कि इसके पीछे बैकग्राउंड में कोई भी इमेज को ऐड करता है, लेकिन इमेज विजुअल होती है, प्रिंटेबल नहीं होती है। प्रिंट में करेंगे तो आपको इमेज प्रिंट नहीं होगी, उस तरह से प्रिंट टाइटल। अब जैसे कि आपने देखा कि जब हम प्रिंट कर रहे हैं तो ऊपर में देख रहे नेम वगैरह है, जैसे अगला पेज करते हैं यहां पर कुछ नहीं। मैं चाहता हूं कि मेरा हेडिंग हर पेज पे आना चाहिए, तो प्रिंट टाइटल में आता हूं, तो लिखा रोज टू रिपीटेड टॉप, इसको सेलेक्ट कर देता हूं। अब प्रिंट करूंगा तो देखेंगे हर पेज पे आएगा हेडिंग। उसके बाद इसमें अगला बढ़ते हैं कि विद। अब जैसे देख रहे हैं आप कि मेरा दो हट जा रहा है, तीन कॉलम प्रिंट नहीं हो रहे, तो मैंने विद को बोला कि भाई तू एक पेज में फिट कर दे, तो इसने स्केलिंग को छोटा कर दिया, मतलब कि प्रिंटिंग साइज को छोटा कर दिया और मेरे डेटा को एक पेज में फिट कर दिया विद के बाइज। ठीक है, उसके बाद यहां ग्रिड लाइन व्यू हो रहा है, हटा दीजिए, ऊपर दिखेगा यहां पे प्रिंट, प्रिंट में कर देंगे तो आप डेटा में आपको ब्लैंक नहीं होगा, एक डॉट लाइन प्रिंट होगी। ठीक है, उसके बाद इसमें आता है कि आप हेडिंग को भी प्रिंट करना चाहते हो तो आप यहां हेडिंग को भी प्रिंट कर सकते हो, जो एबीसी 1 2 3 होता है वो भी प्रिंट होगा। ये हमारा था पेज लेआउट का ऑप्शन। इंसर्ट के चार्टिंग वाले ऑप्शन हम आपको आगे कराएंगे जब आपके साथ डिस्कस करेंगे डायनेमिक चार्ट, इसलिए फिलहाल इसको छोड़ देते हैं। पेज लेआउट मैंने खत्म कर दिया, अगला चैप्टर हमारा फॉर्मूला है, जो कि हम मंडे से आपके साथ डिस्कस करेंगे फॉर्मूला। उससे पहले आप जो इससे पहले बाकी जो अभी तक पढ़े हो उसको एक बार रिविजन कर लें, डाउट हो उसको नोट डाउन कर लें और अगली क्लास में मुझसे पूछ लें। सर ये सीट भेज दीजिएगा प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, मैं आपको भेज। ओके, बाय, सी यू टुमारो। सर रिकॉर्डिंग भी।